बुरी संगत से मैं खुद अर्निंग करना सीख गया हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को यहाँ से। हेलो एवरीबॉडी, तो फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी को। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने लाया है एक बुरी संगत से मैंने अर्निंग करना सीखा है, और वो लड़का करीब 16 साल के था, और उसके जीवन में जो हुआ मैं आज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। और उसी के जीवन से, उसी का मैं बुरी संगत से मैं खुद अर्निंग करना सीख गया हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। जब वो लड़का 16 साल का जब था, उन्होंने बुरी संगत के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसके पास ना कुछ पैसे थे और ना कुछ काम करने के लिए था। तो उसके पास पैसे की जरूरत हुआ, तो उन्होंने कहीं पे जा करके किसी दूसरे संगत को पकड़ करके उन्होंने पैसे को कमाना स्टार्ट किया, जिसमें पैसे उसके पास 200 रुपये पर डे के मिलते थे, और वो पैसे में से 100 रुपये पैसे को पर डे वो खाया करता था। खाने का मतलब उड़ाया करता था, वो पैसे को वेस्ट में उड़ाया करता था। जब उन्होंने एक 1 मंथ तक पैसे को उड़ाया तो उसके पास कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर उस तरीके से काम वो करते रहा तो उसके पैसे जो थे डबल हो गए, 200 का 400 मिलने लगा। उसे और भी मजा आने लगा कि भाई पैसे भी बढ़ गए, मतलब उसके पास अर्निंग का स्रोत बढ़ गया और उसके पास मनी ज्यादा ज्यादा होने लगा। लेकिन उसके पास पैसे सेविंग करने का कोई आइडिया नहीं था, वो सेविंग करने से ज्यादा वो पैसे को उड़ाया करता था। जब उनसे मिला पहली बार, तो उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहा हूँ। जब 1 मंथ से जब काम कर रहे थे तो उनके पास 200 रुपये मिलते थे, और जैसे दूसरे मंथ से काम करने लगे तो उनके पास 200 रुपये और भी बढ़ गए थे, मतलब 400 रुपया पर डे का मिलने लगा। तो पैसे को जब सेविंग करना उसके पास कोई आइडिया नहीं था, तो पैसे को उड़ाया करता था, क्योंकि उसके पास बुरी संगत थे और बुरे लोग भी थे, तो काफी उसके पास पैसे को रहने नहीं देते थे। और कुछ कमाना स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि उसके पास बुरी संगत आया, उससे पैसों की मांग करने लगे और उसको खुद पैसों की जरूरत हो गया, तो पैसा कमाना तो ऑब्वियसली जरूरी ही था। पैसा तो कमाना उन्होंने स्टार्ट कर लिया, पैसों को भी जमा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पैसों को सेविंग करना उसके पास कोई आइडिया नहीं था। तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने पैसों को सेविंग करने के लिए मैंने उसको बताया, जो मैं आप सभी को भी बता रहा हूँ। आप सभी भी इसको गौर से सुन सकते हैं और आप अपने भी पैसों को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने उसको कहा कि आप हर मंथ में 12,000 रुपये कमाते हो, उसमें से आप 100 रुपये पर डे को क्या करो, पैसों को सेविंग में डालो। वो ऐसा पैसा होना चाहिए जो इमरजेंसी पीरियड में, जो सबसे ज़्यादा जो आपकी लाइफ में जो इमरजेंसी होता है उसमें उसको निकाला कीजिए, और ऐसे अदरवाइज नहीं निकालना है। अदरवाइज में अगर कोई भी खर्च करना है तो 12,000 में से जो भी पैसे आपको बचते हैं सेविंग करके, उस पैसे से आप खर्च करना स्टार्ट कीजिए, और वो भी पैसे को बहुत आराम आराम से सोच समझ के खर्च करना स्टार्ट कीजिए। इसके वजह से उसमें क्या हुआ, कुछ सुधार आया और उन्होंने 100 रुपये पर डे का जमा करने लगा। जब उन्होंने 1 मंथ में जमा किया, मैंने बोला कि कितना पैसा जमा हो गया, तो उसे ये भी पता नहीं था कि हमारे पास पैसा कितना जमा हुआ, क्योंकि वो भूल जाता था पैसों को जमा करने के लिए। तो फिर जहाँ पर वो पैसे को जमा करता था, फिर मैंने उसके पास ले गया कि भाई चलो दिखाओ पैसा कितना जमा किया। उन्होंने पैसे को दिखाया तो देखे वहां पे, तो 6,000 लगभग ऐसा वहां पे जमा हो गया था। अब कहो कि 6,000 रुपया कैसे हुआ, 3,000 होना चाहिए था। लेकिन बंदा क्या करता था, डबल पैसे को जमा करता था, 200 रुपये पर डे का उसका मंथली। 6,000 रुपया जो बंदा बचाने लगा तो उसके पास कुछ और आइडिया बने, या मैं इतने दिनों में आज तक 6,000 रुपये को मैंने उड़ाया करता था, वेस्ट किया करता था, और ये भी खा पी करके भी, ठीक है, और वही भी खाना मैं भी आज खा रहा हूँ और उसे ठीक भी खा रहा हूँ, और फिर भी मेरे पास 6,000 रुपये बच भी रहे हैं। बताओ कैसा आइडिया है। उन्होंने यही आइडिया को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया, और आज करीब उसके पास 6 मंथ में काफी लोग उनसे तो पैसे मांगते थे, लेकिन पैसा भी देना बंद कर दिया, और बहुत ऐसे पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करते करते आज उन्होंने कह रहा है मेरे से कि जब भी जरूरी पड़ेगा उसको आराम से निकालना और उस पैसे को उस चीज में इन्वेस्ट कर देना है। तो हुआ ना एक बात, इसलिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। जितने पैसे कमाना जरूरी है उतने पैसों को सेविंग करना भी जरूरी है। तो आज से, अभी से आप भी पैसों को सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। यही लाइफ है जो आप पैसों को काफी सेविंग करके रखेंगे तो आपको आगे जाकर के काम देगा। यही वो लाइफ है। अगर पैसों को अगर आप बर्बाद करेंगे तो आगे जाके आपका लाइफ पैसा बर्बाद करेगा। वही नेक्स्ट सीख वाली बात। तो गाइस, हमारे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।